हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो भी टेबल में रिकॉर्ड होता है EMP1 और EMP2 में, तो वो जितना भी रिकॉर्ड होता है सबको यहाँ पे डिस्प्ले करता है, डुप्लीकेट यूनिक सबको। और यहाँ पे यूनियन में क्या होता है कि दोनों टेबल का जो भी रिकॉर्ड होता है डिस्प्ले करता है, कंबाइन करता है, लेकिन यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है। तो ये था यहाँ पे यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर के बारे में। तो मैंने लास्ट वीडियो में इसको बताया था। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अगर यूनियन और यूनियन ऑपरेटर का यूज कीजिएगा तो यहाँ पे एम्प्टी टेबल में जो भी रिकॉर्ड है ये दोनों टेबल का रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यूनियन ऑल में और डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है, लेकिन यूनियन में वहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करता। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में क्या होता है कि EMP1 में और EMP2 में जो भी मैचिंग रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड मैच करता है वहाँ पे वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये EMP1 का पार्ट है और यहाँ पे EMP2 का पार्ट है। तो ये दोनों में जो मैचिंग रिकॉर्ड होता है वही ये डिस्प्ले करता है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनियन और की जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑपरेटर को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चलिए आपको रिकॉर्ड दिखा दे यहाँ पे। तो ये सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे 1 not 2, ये डुप्लीकेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EMP2 का रिकॉर्ड दिखाते हैं। यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आईडी नेम थोड़ा रिवर्स में हो गया। तो ऐसा करते हैं, आईडी के साथ आईडी कंकैटिनेट करते हैं और यहाँ पे नेम के साथ नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम। अब क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पे 1002 और जो कि EMP1 में भी है और EMP2 में भी है। यहाँ पे हम दिखा दें आपको, यहाँ देखिए 1002 यहाँ पे EMP1 में है, दो बार है, और यहाँ पे 1002 EMP2 में भी है। तो यहाँ देखिए EMP2 में 1002 है। तो यहाँ पे यही है इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में कि ये जो मैचिंग रिकॉर्ड होता है, तो मैचिंग रिकॉर्ड मतलब 1002 EMP1 में भी है और EMP2 में। तो जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होता है इंटरसेक्ट ऑपरेटर उसी को रिटर्न करता है। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था ज्वाइन के टाइम में, इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन भी क्या होता है कि वहाँ पे भी और जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होता है EMP1 और EMP2 के बारे में, तो वही रिकॉर्ड यहाँ पे वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इनर ज्वाइन और इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचे। यहाँ पे सेलेक्ट मैंने किया आईडी नेम ईमेल फ्रॉम EMP1। उसके बाद यहाँ पे इनर ज्वाइन हम लिख रहे हैं, इनर ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं फ्रॉम EMP2। उसके बाद यहाँ पे ऑन क्लॉज लिख रहे हैं ऑन। उसके बाद यहाँ पे EMP1 dot यहाँ पे आईडी इक्वल टू EMP2 dot आईडी। तो यहाँ पे आईडी अगर इक्वल होगा तब ये कंबाइन करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। चलिए एग्जीक्यूट करके देख लें क्यों यहाँ पे और मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एम्बिगस कॉलम नेम, यहाँ पे एम्बिगस आईडी नेम ईमेल, तो ये एम्बिगस है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे EMP1 में यहाँ पे आईडी नेम ईमेल है, उसके बाद EMP2 के अंदर भी आईडी नेम ईमेल है, और यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे
किसके लिए, आईडी EMP1 के लिए है या फिर EMP2 के लिए। यहाँ पे तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, तो इसके लिए आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप स्टार दे दीजिए, तो ये समझेगा EMP1 से पूरा और EMP2 से पूरा। अब इसको हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए और ये जो भी है और EMP1 का रिकॉर्ड और EMP2 का जो भी रिकॉर्ड है मैचिंग रिकॉर्ड, यहाँ पे देखिए मैचिंग रिकॉर्ड इनर चाइल्ड जब भी रिटर्न करता है मैचिंग रिकॉर्ड रिटर्न करता है, तो EMP1 का और EMP2 का मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको स्टार नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे आप EMP1 क्या डॉट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम आईडी इसमें से ले रहे हैं, उसके बाद EMP2 से हम यहाँ से हम नेम ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से EMP1 से हम यहाँ पे ईमेल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे EMP से भी लिया, 2 से लिया और यहाँ पे 1 से लिया, और एक्सिक्यूट करेंगे यहाँ पे देखिए 3 कॉलम, तो यहाँ पे और यहाँ पे आईडी नेम ईमेल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आ गया कि देखिए 1000 to count, तो इनर चाइल्ड आप जब भी एक्सिक्यूट कीजिएगा ठीक है, तो यहाँ पे ये और डुप्लीकेट आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इनर चाइल्ड का यूज करने से यहाँ पे डुप्लीकेट आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे इसी को अगर हम यूनियन इंटरसेक्ट को अगर एक्सिक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे और यूनियन सॉरी इंटरसेक्ट और इनर चाइल्ड के बीच में, कि इंटरसेक्ट ऑपरेटर जब भी रिटर्न करता है यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड को रिटर्न करता है, बट यहाँ पे इनर चाइल्ड रिटर्न करता है यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को यहाँ पे रिटर्न करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको रिटर्न कराना है सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट और कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किया, अब देखिए इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं, तब यहाँ पे आपको यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और मैं बता दूं कि इंटरसेक्ट ऑपरेटर का यूज कीजिएगा ठीक है, अगर उसको आप कंबाइन कीजिएगा नल के थ्रू, तो ठीक है नल के थ्रू यहाँ पे ये मतलब नल के थ्रू ये जो भी नल में जो कॉमन जो रिकॉर्ड होता है, अगर दोनों टेबल में नल है तो जो भी कॉमन रिकॉर्ड होता है तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर उसको रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पे इनर चाइल्ड के साथ आप नल को कंबाइन नहीं कर सकते, नल का कंपैरिजन नहीं कर सकते ठीक है। और यहाँ पे अगर नल अगर आईडी में अगर नल नल मिला तो ये कंपैरिजन नहीं करेगा, तो ये दूसरा डिफरेंस है। यहाँ दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे इंटरसेक्ट और इनर चाइल्ड के बीच में। और यहाँ पे एक चीज और बता दो, यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनियन ऑपरेटर का अगर यहाँ पे यूज करते हैं, तो चलिए यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम यूनियन दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर नेम डाल रहे हैं, नेम के चलो यहाँ पे आईडी, अगर हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एरर हो रहा है डेटा कन्वर्जन। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट के साथ भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंटरसेक्ट आप दीजिएगा तो वही प्रॉब्लम, तो यहाँ पे इस तरह। तो ये सारा चीज है इंटरसेक्ट ऑपरेटर के साथ। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।